Here in this case, it says draw the energy band diagram for p-type semiconductor. They are asking us for the p-type semiconductor, and then they are saying at T is equal to 0 Kelvin पे. So अगर T is equal to 0 Kelvin पे बनाओगे p-type semiconductor के लिए, तो first of all you should know what type it is. p-type semiconductor कैसा होता है? It is formed by doping with a trivalent impurity. और इसमें क्या होता है? Number of holes are greater than number of इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इट हैज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और एन टाइप की क्या होती है? पेंटावेलेंट होती है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं. सो यहाँ पे आई वुड हैव अ वैलेंस बैंड. एनर्जी बैंड गैप में हमारे पास वैलेंस बैंड होगा, और वैलेंस बैंड के ऊपर हमारा कौन सा बैंड होता है? कंडक्शन बैंड इज देयर. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, जब उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया गया. So valence band would be completely filled, obviously. It would be completely filled here. मतलब इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होगा, ठीक है? That's how it would look for at T is equal to 0 Kelvin. Second situation में हमारे पास क्या दिया हुआ है? Room temperature दिया हुआ है. तो room temperature में क्या होता है? That they would try to create the vacancies. थोड़ा सा वो क्या करने की कोशिश करेंगे? दे विल ट्राई टू जंप आउट ऑफ देयर वैलेंस बैंड, क्योंकि उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है. कुछ रूम टेम्परेचर भी अगर मिल जाएगा उनको, दे विल गेन एनर्जी, जिसकी वजह से दे विल ट्राई टू जंप टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड. और वैलेंस बैंड के नियर बाय क्या बना लेते हैं वो? दे ट्राई टू फॉर्म अ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है? नाउ इन दिस केस हाउ इट वुड लुक लाइक? तो यहाँ पे क्या बनाना शुरू कर देगा? इट वुड ट्राई टू मेक द होल्स, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे सरफेस पे आ जाएंगे एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जंप कर जाएंगे किसकी तरफ? कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक है? समझ आया? सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, कि हमारे पास क्या होता है, दैट जैसे ही रूम टेम्परेचर मिला, ये ट्राई करना शुरू कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन्स ने जंप करना टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड. नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट दे आर सेइंग इन द गिवन डायग्राम कंसिडरिंग एन आइडल डायोड. इसको मान के चलो कि ये डायोड है, आइडल डायोड है, इन विच द कंडीशन विल द बल्ब ग्लो When the switch is open, when the switch is closed. जब स्विच क्लोज है या ओपन है, कब ये ग्लो करेगा? देखो, अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो सारा करंट कौन ले जाएगा? ये डायोड ले जाएगा. तो इस केस में तो ये ग्लो, मतलब इट वुड बी लाइक क्लोज कर दिया ना, तो सारा का सारा करंट कौन ले जाएगा? ये डायोड ले जाएगा. इट वुड फ्लो थ्रू दिस. तो अगर हम स्विच को ओपन रखेंगे तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा ऊपर वाली वायर में से, सारा करंट किसको मिल जाएगा? बल्ब को. सो इट वुड ग्लो आउट. कब होगा ग्लो? व्हेन द स्विच इज ओपन. स्विच ओपन रखना पड़ेगा तब जाके हमारा बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो करंट किस में फ्लो करना शुरू कर जाएगा? डायोड में, फॉरवर्ड बायस कर देगा उसको. तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा सेकेंड सिचुएशन में? स्विच ओपन रखना पड़ेगा ताकि हमारा बल्ब ग्लो हो सके.